नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में 22 जून को दिन दहाड़े हुए बड़े बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पटना पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 35 लाख रुपए और ज्वेलरी बरामद की है। इस गैंग की खासियत यह है कि इसमें किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जहां नालंदा का रहने वाला अमन शुक्ला हर वारदात के बाद कोचिंग में बच्चों को पढ़ाकर अपनी पहचान छिपाए हुए था। अमन की खासियत ये थी कि वो ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था और ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। हैरानी की बात है कि इस बैंक डकैती कांड का सरगना अमन शुक्ला इंग्लिश टीचर है, जिसने कई वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पटना के बहुचर्चित जानकी निवास में हुए गैस एजेंसी मालिक डकैती कांड को भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। वहीं दूसरी तरफ इस गैंग में एक कराटे प्रशिक्षक, एक क्लिनिक कंपाउंडर, एक मैकेनिक और 2 शराब तस्कर शामिल हैं। इस गैंग ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कबूल किया कि उन्होंने कई और बैंक डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।